हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक हमारा है उसी चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें सेल्फ इंडक्शन। कहने का मतलब खुद इंड्यूस हो जाना। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी एक क्वाइल में अगर करंट चेंज करे क्वाइल में, तो उसमें फ्लक्स भी चेंज करने लगेगा। और फ्लक्स जहाँ चेंज हुआ कि ईएमएफ एक इंड्यूस्ड हो जाएगा, और उसी को कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिनन को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। माने खुद अपने ही क्वाइल में करंट के चेंज करने से जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उसी को कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसी प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, इफ़ द करंट इन ए लूप चेंजेज विथ टाइम द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप ऑल्सो चेंजेज। According to Faraday's law, an EMF is induced in the loop. This process is called self-induction. क्यों कहलाता है self-induction? Because क्योंकि the EMF is induced due to change of current in the same loop. माने जो loop में current change कर रहा है तो उसमें फ्लक्स भी चेंज करेगा, और उसके कारण उसी लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जो करंट के चेंज को हमेशा रेजिस्ट करेगा, इस बात को भी ध्यान में रखिए, यानी करंट बढ़ना चाहता है तो वो ईएमएफ जो है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको बढ़ने से रोकने का कोशिश करेगा। अगर घट रहा है करंट क्वाइल में तो उसको घटने से भी रोकेगा, यानी अपोज करेगा। तो कहने का मतलब कि इसी प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अच्छा, अब ऐसा है कि फ्लक्स तो जो कोई क्वाइल में है वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि करंट ज़्यादा तो फ्लक्स ज़्यादा। क्यों भाई? तो करंट ज़्यादा तो बी ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो इसीलिए कहता है फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स फाइ बी, बी मतलब मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट का। तो अगर क्वाइल एन टर्न्स का बना है तो जो फ्लक्स चेंज करेगा वो सारे टर्न के साथ सेम फ्लक्स चेंज करेगा। इसलिए कह सकते हैं हम कि एन फाइ बी मतलब सारे क्वाइल के सारे टर्न का जो फ्लक्स हुआ एन फाइ बी, अगर एन है नंबर ऑफ टर्न्स तो एक क्वाइल में जो फाइ बी होगा तो एन क्वाइल में वही फाइ बी माने एन फाइ बी हो जाएगा, फ्लक्स जो है एन फाइ बी होगा। और एन फाइ बी जो है वो भी करंट के मतलब जो प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको प्रोपोर्शनल को बराबर करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एल से मल्टीप्लाई करके इक्वल करके इक्वेशन बना देते हैं, यानी एन फाइ बी इक्वल टू एल आई। इसको बॉक्स कर देना अच्छा है, बॉक्स कर दीजिए, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एल हम लोगों ने डाला उसी का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। तो
ऑफ द क्वाइल, मैंने क्वाइल का सेल्फ इंडक्स इंडक्टेंस है। ये सेल्फ इंडक्टेंस उसी तरह क्वाइल के ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है एवं क्वाइल के मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, जिस प्रकार की आप कैपेसिटर में पढ़े थे कि कैपेसिटेंस जो है, मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है वह प्लेट एरिया, उसके सेपरेशन यानी ज्योमेट्री पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ दोनों के प्लेट के बीच में किस टाइप का मीडियम है उसके डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर निर्भर करता था। यानी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दोनों पर, चाहे एल हो या चाहे सी हो, डिपेंड करता है। तो वही बात वहां लिखा गया है। अच्छा, तो आपको आया इक्वेशन एन फाइव बी इज इक्वल टू एल आई। अब मान लीजिए आई चेंज करेगा तो एन फाइव बी चेंज करेगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आप फैराडे के हिसाब से जानते हैं, ई इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ एन फाइव बी, और एन फाइव बी आपको है एल आई, तो इसलिए उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एल आई को। अब माइनस साइन लगा दीजिए तो एल तो कांस्टेंट है तो एल रहेगा, और आई हो जाएगा डी आई बाई डी टी, क्योंकि इधर हमने एन फाइव ई बाई डी टी मैंने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, तो आई भी उधर टी के रेस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएट डी आई बाई डी टी। इससे एल जो आएगा इतना आएगा, एल इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। एक्चुअली यही इक्वेशन को माना जा सकता है सेल्फ इंडक्टेंस एल का डिफाइनिंग इक्वेशन। एल का जो है एसआई यूनिट हेनरी होता है, हेनरी डिनोटेड बाय कैपिटल एच। एल का एसआई यूनिट हेनरी होता है, जिसको कैपिटल एच द्वारा दिखाते हैं, और एच चूंकि बड़ा भी होता है इसलिए मिली हेनरी वगैरह सब, मैंने थाउजेंड पार्ट जो है इसका मिली हेनरी वो सब भी यूज होता है क्वाइल में, चूंकि एच बड़ा होता है, और इसका डायमेंशन होगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू ए टू द पावर माइनस टू। कैसे, तो आप निकाल सकते हैं, चाहे इससे निकालिए या इससे निकालिए एल का, आपको यही निकलेगा डायमेंशन। कहता है द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज ऑपोजेज एनी चेंज, चाहे इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ करंट इन द कॉइल। ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई, पहले भी आपको अभी बताए हैं कि वो करंट के बढ़ने या घटने दोनों को वो अपोज करता है, यानी जल्दी बढ़ने नहीं देगा और न जल्दी वो घटने देगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यही आपका है यहाँ से यहाँ तक, मतलब सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। अब है हम लोग एक ठो कैलकुलेशन करते हैं सोलेनोइड का। मान लीजिए एक लंबा सोलेनोइड है और उसमें हम करंट बहा के करंट को चेंज कर रहे हैं, उससे हमको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है सोलेनोइड का। तो सोलेनोइड का डिटेल यहाँ पर लिखे हैं हम। मान लीजिए कि स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितना, मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स है,
I मान लीजिए सोलेनोइड में किसी टाइम करंट है, L बराबर है लेंथ सोलेनोइड का, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनोइड। तो सोलेनोइड में I करंट बहता है और N अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो हम लोग जानते हैं सोलेनोइड में ये फॉर्मूला डिराइव किए थे, B इक्वल टू म्यू नॉट, अगर खाली है सोलेनोइड अंदर में वैक्यूम या एयर है तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इतना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है अगर सोलेनोइड में आई करंट बह रहा है। तो इससे फाइ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मालूम है और एरिया ए मालूम है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आप निकाल सकते हैं एक टर्न के साथ कितना, मतलब जो फाइ भी हुआ इतना। अच्छा, एंड एन टर्न्स अगर हो क्वाइल का तो एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एन फाइ भी हो जाएगा बराबर, इधर भी एन दीजिए तो एन बराबर बड़ा बड़ा एन माने नंबर ऑफ टर्न्स होगा स्मॉल एन इंटू एल, क्योंकि एल लंबाई है स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल एन का वैल्यू स्मॉल एन इंटू एल होगा और फाइ भी वहाँ से उठा के दे दीजिए म्यू नॉट एन आई ए, तो म्यू नॉट एन आई ए। अब ये हो जाता है, कैलकुलेट कर लीजिए म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई, ठीक है, आपको आ गया एन फाइ बी बराबर इतना। अब वो जो इक्वेशन है ना, उसमें एन फाइ बी में आई से डिवाइड कीजिएगा तो एल निकल जाएगा, इसलिए एल जो है एन फाइ बी बाय आई, एन फाइ बी का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई बाय आई, आई में आई कट गया हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, यही हो गया एक खाली सोलेनोइड है मैंने उसके अंदर में कुछ नहीं है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। अच्छा, अब मान लीजिए कि जो सोलेनोइड में आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिए जिसका रिलेटिव परमियाबिलिटी म्यू आर है, तो आप जानते हैं कि उसका मैग्नेटिक फील्ड सब कई गुना बढ़ जाता है, तो उसका ये एल भी बढ़ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो उसको मान लीजिए सॉफ्ट आयरन, आप जानते हैं काफ़ी वो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है, तो मान लीजिए उसका रिलेटिव परमियाबिलिटी अगर म्यू आर है और उस सॉफ्ट आयरन को हम भर दिए सोलेनोइड में पूरे का पूरा, तब क्या होगा, तब जो एल होगा म्यू आर से मल्टीप्लाई कर लीजिए मैंने इतना गुना, मान लीजिए म्यू आर का मान 10 है तो 10 गुना बढ़ जाएगा अगर हम उसमें ये म्यू आर रिलेटिव परमियबिलिटी का डालेंगे अगर सॉफ्ट आयरन। तो एल फाइनली एक जनरल इक्वेशन ये है, एल बराबर म्यू आर, इसको म्यू आर से खाली मल्टीप्लाई कर दीजिए म्यू आर एन स्क्वायर ए एल। अब अगर ई खाली याद रखिए और ये भी याद रखिए, अगर मान लीजिए खाली है तो म्यू आर को 1 कर दीजिए आ जाएगा खाली वाले का सेल्फ इंडक्टेंस, अगर है तो उसका जो भी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर दिया हुआ है वो डाल करके एल निकाल दीजिए। अच्छा, अब एक चीज और लिखे हैं बैक ईएमएफ के बारे में कि बैक ईएमएफ क्या होता है, कहता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ। इसमें जो हम लोगों के मान लीजिए सोलेनोइड या कोई क्वाइले में अगर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप कर जाता है करंट चेंज के कारण, तो उसको बैक ईएमएफ कहते हैं।
बैक ईएमएफ इसलिए कहते हैं कि कोई भी करंट चेंज को, घटना या बढ़ना को वो रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, इसीलिए उसको कहते हैं बैक ईएमएफ। तो मैं समझता हूँ कि ये छोटा आइटम सेल्फ इंडक्शन आप समझ गए हैं। खुद इंड्यूस होना, सेल्फ इंडक्शन, खुद इंड्यूस होना यानी अपने ही करंट चेंज के कारण ईएमएफ डेवलप कर जाना, यही बात आपको ठीक से याद रखिए। और अगर आपको पसंद है तो लाइक करके कर दीजिएगा, और जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बजा दीजिएगा, जाएगा वीडियो आपके पास में आगे, या सब हमारा ये देख सकते हैं जितना भी वीडियो है। क्लास 12 के लिए पूरा फिजिक्स के लिए कंप्लीट वीडियो ही बन रहा है, बहुत चैप्टर हो चुका, कुछ चैप्टर्स और बचे हुए हैं, सबको पूरा किया जाएगा। दूसरे को भी मदद करना है तो आप व्हाट्सएप वगैरह से भेज दीजिए ताकि उसका भी स्टडी ठीक से चलता रहे। तो क्योंकि अब बोर्ड तो स्टेट बोर्ड वगैरह से तो तुरंत ही होगा, उसके बाद CBSE का भी बोर्ड आने ही वाला है, तो बढ़िया से तैयारी हो जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू।